हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, देखिए इस तरीके से पुराने जीन्स का, और हम बनाने वाले हैं दो बहुत ही यूज़फुल आइटम। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे हम इसे। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, देखिए इस तरीके से लेग पोर्शन में से मैंने दोनों पीसेस कट कर लिए हैं। तो इसके लिए आप फीमेल वाली जीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको बड़ी वाली जीन्स ही चाहिए। सबसे पहले हम इसमें से स्ट्रेट पीसेस कट कर लेंगे। तो मैंने स्ट्रेट मार्क करके स्ट्रेट पीसेस हमने इसमें से कट कर लेने हैं। देखिए तो ये एक आ गया, दूसरे लेग पोर्शन में से भी यहाँ से मैं कट कर लूँगी। तो हमारे पास ये दो रेक्टेंगल पीसेस आ जाएंगे, इन्हें हम आपस में जोड़ के एक पीस करेंगे। तो ये दो पीसेस आ गए देखिए मेरे पास। अब मैं इन्हें आपस में ज्वाइन कर लूँगी और मेरे पास एक सिंगल पीस आ जाएगा। तो इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिंपल सिलाई मशीन मैंने यूज़ की है, क्योंकि हम जीन्स का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपको 18 नंबर की इसमें नीडल यूज़ करनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे पलटते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल पीस आ गया। तो ये है मेरे पास 19 इंच और इसकी लंबाई मेरे पास आई है 30 इंच। अब हमें क्या करना है, हमें इसे चारों तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई से फिनिश कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैं फिनिश कर लूँगी। जहाँ पे यहाँ थोड़ा मोटा है, थोड़ा आराम से सिलाई लगाते हुए इसे सिलाई लगा लीजिए। तो चारों तरफ से हम इसे फिनिश कर लेंगे। ये देखिए ये से मैंने सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से फिनिश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे आगे शेप देंगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप इसे फोल्ड कर लीजिए 1 फोल्ड, फिर आपको एक और फोल्ड करना है, सेंटर में से फोल्ड करना है 2 फोल्ड। यहाँ से फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से फ्लैट बिछाना है इस तरफ से, और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हम फ्लैट बिछा लेंगे। ये देखिए बस आपको कॉर्नर बिल्कुल मिलाते हुए बनाना है। ध्यान रखिए आपके सारे कॉर्नर्स अच्छे से मिलने चाहिए। ये देखिए जैसे ये है तो बिल्कुल बराबर कॉर्नर्स हमारे मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करना है दोनों तरफ से, और ये थोड़ा मोटा हो जाएगा तो मैं इसे हाथ से स्टिच करूँगी सुई और धागे से। नीचे की तरफ से स्टिच नहीं करना है, देखिए यहाँ से आपको हाथ डालना है ऐसे अंदर की तरफ, और सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे स्टिच करना है, नीचे वाली लेयर पर आपको स्टिच नहीं करना है। तो यहाँ से सुई और धागे से देखिए अच्छे से मैं पूरा स्टिच कर लूँगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे वाली लेयर आपकी स्टिच ना हो। तो इसे पूरा अच्छे से हम देखिए हाथ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिल लिया इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ है देखिए, नीचे की तरफ स्टिचिंग नहीं है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसे इस तरफ को घुमा लेती हूँ, और यहाँ पे भी हमने पूरा इसे स्टिच कर लिया। ये देखिए तो ये हमारा पूरा स्टिच हो गया। ऐसे ही हमें इस तरफ से भी करना है, देखिए पूरा हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से स्टिच हो गया, ऐसे दिखाई देगा आपको। अब आपको पलटना है, और पलटते हुए सेम इस तरफ से भी आपको इसी तरीके से स्टिच करना है दोनों कॉर्नर, जैसे हमने यहाँ किए हैं। ये देखिए तो दोनों तरफ से हो गया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए इस तरीके से स्टील वाले हैंगर। आप दूसरे वाले प्लास्टिक वाले भी ले सकते हैं, और मैं क्लोथ क्लिप यूज़ कर रही हूँ, ये पेपर क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ। आप क्लोथ क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाते हैं क्लिप्स आपको ईज़िली। अगर ये आपके पास नहीं है तो सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको इसे फोल्ड करना है। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वॉशेबल बनाना है। तो जब भी वॉश करना होगा तो मैं क्लिप को ईज़िली निकाल के, हैंगर को निकाल के इसे वॉश कर सकती हूँ, इसलिए मैं क्लिप्स का यूज़ कर रही हूँ। ये पेपर क्लिप हैं, आपको स्टेशनरी की शॉप पर ईज़िली मिल जाएंगे, नहीं तो आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से टाइटली मैंने इन्हें लगा दिया दूसरी तरफ भी। ये देखिए तो ये हमारा लग गया हैंगर। अब इस तरीके से देखिए मैंने बेस को खोल लिया। अब हमें कार्डबोर्ड चाहिए, तो बेस के साइज़ का मैंने कार्डबोर्ड लिया है, अच्छे से थिक बना लिया 2-3 कार्डबोर्ड को ज्वाइन करते हुए। तो देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। कार्डबोर्ड हम अंदर की तरफ रखेंगे, आप चाहें तो इसे कवर करना चाहें कपड़े से कवर कर सकते हैं। ये देखिए
तो हम नीचे अलमीरा में इस तरीके से सामान रखते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा स्पेस बच जाता है। तो इस स्पेस को कवर करने के लिए आप इस ऑर्गेनाइज़र को ऐसे लगा सकते हैं। कार्डबोर्ड मैंने अंदर डाला हुआ है तो हमारा बेस बिल्कुल स्टिफ है, शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो छोटा मोटा सामान जो भी आप अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़े या जो कपड़े आप अलग से रखना चाहते हैं, कभी कभी यूज़ होते हैं, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, देखिए साइड में हमारा लग जाता है, बनाने में बहुत ही आसान है, वॉशेबल है। कार्डबोर्ड निकालिए, क्लिप खोल के आप वॉश करके दोबारा से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो ये जो जीन्स में से ही बचा हुआ मेरे पास कपड़ा था, इसमें से मैं कट कर लूँगी। देखिए ये मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और नीचे की तरफ इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर्स बनाने हैं। तो साइडों से इसे इस तरीके से फ्लैट बिछाना है और यहाँ से 3 इंच का निशान लगाते हुए इस पर आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। सेम ऐसे ही सिलाई आपको दूसरी तरफ भी लगानी है। तो ये 3 इंच पे मैंने दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए तो ये हमारा सीधा हो गया। अब नीचे बेस के साइज़ का मैंने कार्डबोर्ड लिया है, हम कार्डबोर्ड को इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से और अब हम इसके कॉर्नर्स बनाएंगे। तो कार्डबोर्ड इंसर्ट हो गया, इस तरीके से कॉर्नर्स बनाने हैं। तो ये मोटा है तो इस पर सिलाई नहीं लगेगी, तो मैं सुई और धागे से इसके कॉर्नर्स बना लूँगी चारों के चारों। तो यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है सुई और धागे से, हल्का सा ऊपर से इसे स्टिच कर लीजिए, इससे हमारी शेप बिल्कुल बनी रहेगी। चारों कॉर्नर से मैं इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए तो ये हमारा दूसरे वाला ऑर्गेनाइज़र भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो एक जीन्स से हमारे देखिए दो ऑर्गेनाइज़र बन गए। तो मैंने इस तरीके से इसमें कपड़े रख लिए हैं। तो आप कपड़े रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए देखिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोई फॉर्म नहीं लगा, कोई लाइनिंग नहीं लगी और एक ही जीन्स से हमारे दो बहुत ही प्यारे ऑर्गेनाइज़र देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो एक ऑर्गेनाइज़र ये बनाया है हमने, एक मैंने आपको अभी दिखाया पहले बना के। तो एक जीन्स में से ये दो ऑर्गेनाइज़र आपके ईज़िली बन जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, इजी और आसान तरीके से, बिना लाइनिंग के, बिना फॉर्म शीट के, ये हमारे दोनों ऑर्गेनाइज़र्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इसमें हैंडल लगाना चाहें तो साइड में लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी है।